good morning students this is your english teacher jyoti ma'am here welcome to your next class of english and today we will be doing our next topic of english grammar continuing with the one which we have started aapne pichle week tha. can could can could must should and may 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 not fine so that was an easy topic you learned it well good नाउ दिस टॉपिक विच आर स्टार्टिंग वुड बी कंटिन्यूएशन ऑफ टेंसेज जो टेंसेज हमने पढ़े थे उसकी कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करेंगे सो लेट सी विच इज़ द न्यू चैप्टर एंड आई एल मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर सो दिस इज योर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्सटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव लर्न अबाउट टेंसेज राइट हमने टेंसेज के बारे में पढ़ लिया है कितने तरह के होते हैं टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ठीक है उनका डाइवर्सिफिकेशन भी होता है पहले हम प्रेजेंट का डाइवर्सिफिकेशन में फर्स्ट आता है सिंपल प्रेजेंटेंस इसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ठीक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है वो बताता है सिंपली प्रेजेंट में क्या हो रहा है जो आप शायद रेगुलर बेसिस पे करते हो ठीक है अ पायलट फ्लाइज इन एयरप्लेन मोहित एंड विपुल प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग आई गो टू पार्क एवरी डे द सनराइज इन द ईस्ट अब इसमें जो भी वर्ब्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं वो बनते कैसे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स में एस और ए लगता है बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का वो यूज़ होता है बेस फॉर्म क्या होता है बेस फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म जिसके बेसिस पे हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं और जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर फॉर्म बनाते हैं जैसे प्ले है पास्ट हो जाएगा प्लेड एंड फ्यूचर हो जाएगा विल प्ले राइट right? तो बेस फॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे ही प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स बनते हैं वर्ब के तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म यूज़ होता है प्रेजेंट का ठीक है जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है ओके okay? अब नेक्स्ट आता है बताएंगे आपको कैसे बनता है विथ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इस पे फोकस मत करो आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होगी आई वी यू दे जो भी प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वी दे और आई और यू हमेशा प्लूरल में ही कंसिडर किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आई हैव वी हैड ठीक है सो ये जो बेस फॉर्म्स होते हैं प्लूरल वाले प्लूरल्स के साथ हमेशा सब्जेक्ट का बेस फॉर्म लगेगा वी के साथ रीड बुक लगेगा पेंगुवेंस प्लूरल है पेंग्विंस के साथ लेव इसी में जो सेकेंड अब आपको बताएंगे अगर सिंगुलर होगा जैसे कि शी हुआ ही हुआ इट हुआ ठीक है ये हो जाएंगे सिंगुलर सिंगुलर के इसी फॉर्म के पीछे एस लग जाता है शी रीड्स ही रीड्स वो सिंगुलर फॉर्म हो गया इस देखो आई वी यू दे ये सब प्लूरल है प्लूरल के साथ लगेगा टॉक ही इट शी ये है सिंगुलर सिंगुलर के साथ लगेगा टॉक्स अब इसको सिंपल लैंग्वेज में जो मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताऊंगी कि प्लूरल में हम जनरली क्या होता है प्लूरल में एस लगता है ना जैसे एप्पल का एप्पल्स प्लूरल होता है यहाँ पे ट्रिक उल्टी अपनानी है आपको प्लूरल में एस नहीं लगाना है सिंगुलर में एस लगाना है सिंपल आप ये लॉजिक याद कर लो आपको सिंपल प्रजेंटेंस आराम से याद हो जाए क्या करना है प्लूरल वाले जो भी नाउन होंगे वी दे आई यू उनके साथ एस नहीं लगेगा सिंगुलरस के साथ एस लगेगा इसमें उल्टा होता है जो हम जनरल सिंगुलर प्लूरल्स में पढ़ते हैं ओके okay? सो so, ये आपका सिंपल टेंस है जिसमें प्लूरल्स uh, के साथ लगेगा प्लूरल नाउन सिंगुलर के साथ लगेगा सिंगुलर नाउन सिंगुलर में एस लगता है प्लूरल में एस नहीं लगता है ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम सो so, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप फॉर्म uh, करते हो जैसे शाइन का शाइन्स हो जाता है ईट का ईट्स हो जाता है रीड का रीड्स हो जाता है ट्राई का ट्राइज वाई वालों में आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है फ्लाई का फ्लाइज क्राई का क्राइज बाय का बाइज गैस का गैसेज पॉलिश ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा कैसे चेंज होगा जब भी हम सिंपल प्रजेंटेंस यूज करते हैं तो वो क्या होता है रेगुलर एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ना नाइट वी स्लीप एट नाइट ये डेली होता है मून राइज ड्यूरिंग द नाइट ये डेली होता है और जो होते हैं स्टेटमेंट जो परमानेंट ट्रूथ है, होते हैं जो फैक्ट होते हैं मून गेट्स लाइट फ्राम द सन द क्लाउड यूजअली हाइट्स द सन ये फैक्ट है ये ट्रूथ है ये जिनको कोई नहीं बदल सकता वी ऑफ़न यूज वर्ड्स यूजली जनरली एवरी डे ऑलवेज ऑफन समाइम्स इन टेंसेज के साथ हम ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक so, है सो किसी आपका चैप्टर था सिंपल प्रजेंटेंस ये बहुत ईजी है इनिशियली थोड़ा टफ लग सकता है पर बहुत ईजी है ठीक है तो जैसे मैं बताती हूँ देखो इन्हें बोला इन वर्ब्स को इन सब्जेक्ट के हिसाब से ही शी, इट तो ही शीट क्या है सिंगुलर के हिसाब से इनको चेंज करना है तो ही शीट के साथ क्या हो जाएगा ये ट्राइज ऐसा आएंगे इन सब में ऐसा आएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन होगा प्लेज फिल्स और अगर इन की जगह होता दे वी आ, आई और यू तो ये क्या होते हैं तो ये वाले फॉर्म्स होते हैं ट्राई प्ले फिल्स ये नहीं होते ठीक है ये थी आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन योर सेकेंड एक्सरसाइज देयर गोज योर सेकेंड एक्सरसाइज इसमें क्या बोला है फिल वर्ब फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस अब आप पीछे वर्ब दे रखे हैं आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से नाउन है प्लूरल सिंगुलर उसके हिसाब से आप चेंज करोगे जैकी डैश वेन इट डैश अ कैट जैकी सिंगुलर है इट भी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा जैकी बार्क्स क्या आएगा बार्क्स वेन इट सीज अब ये देखो द सोल्जर्स ये प्लूरल है तो क्या आएगा सोल्जर्स मार्च ही आएगा इसमें द सोल्जर्स मार्च अगर सोल्जर होता तो मार्च नॉट लेस देन फाइव मील्स एवरी डे माइल्स सॉरी ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज ये आपको ऐसे सॉल्व करनी है थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज में आपकी पैटर्न से रिमूव कर रही हूँ मूविंग टू फिफ्थ एक्सरसाइज सी आपकी एक्सरसाइज फाइव जैसी मैंने बताया ये कहानी है एक स्टोरी ऐसे टाइप दे रखा है आपको एक कॉन्वर्सेशन उसमें आपको चेंज करना है वंस अ स्टूडेंट वेन टू हिज टीचर ही आस्ट हिज टीचर सर इसमें टाइप ऑफ वर्ब दिया है जो आपको करना है सर डैश देर एनी गुड इन टॉकिंग अलॉट तो क्या आएगा इज इज़ देर एनी गुड इन टॉकिंग लॉट द टीचर अप्लाई टोर्ड्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे बट नो वन पेज टोर्स एंड फ्रोक्रॉक क्योंकि ये प्लूरल हो गए ठीक है ऐसे ही आपको ये फिल करना है पूरा एक्सरसाइज सो किड्स ये था आपका चैप्टर इट्स एन ईजी वन यू हैव टू प्रैक्टिस इट सो आज आपका होमवर्क है यू हैव टू सी द वीडियो टू टू थ्री टाइम्स Then you will write the notes that I'll send you with the chapter. And after that, you will complete these three exercises 1, 2, and 5. And send me before 5 pm. Okay, see you in the next session, kids.